रूट पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आतिशबाजी हुई है। आग सर्विस सेंटर की पहली मंजिल पर रिपेयरिंग की दुकान में लगी है। आग ने प्लाजे की पहली मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर से बात करेंगे। अरसलान, क्या तफसीलात है, आग की नौइयत क्या है, वजह क्या बताई गई है? जी अरमिला, बिल्कुल, यहाँ पर हार रोड पर वाकया जो सर्वर सेंटर है, इसमें दो माह के दौरान अब दूसरी मरतबा जो है वो आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। पहली बार जो आग लगी थी वो चौथी मंजिल पर लगी थी और अब जो है वो पहली मंजिल पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया। आग जो थी ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बताया जा रहा है कि सर्वर जो सेंटर में वाकया रिपेयरिंग शॉप थी उसमें लगी और उसके बाद आग जो थी वो फैलती भी जा रही है और उसने पहली मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौका पर मौजूद है और यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चार से पाँच दुकानें जो हैं वो इस वक्त जल चुकी हैं और लाखों मालियत का नुकसान भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई बात सामने नहीं आ रही कि आखिर आग लगने की वजूहत क्या थी, क्योंकि पूरा प्लाजा जो है वो बंद है। रेस्क्यू को मुश्किलात का सामना करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो आग थी वो जब दूसरी दुकानों में गई है तो उनके शटर्स दो थे वो डाउन है और उनके लॉक तोड़ने में, ताले तोड़ने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि असल मालकान जो दुकानों के थे वो मौका पर मौजूद नहीं है। जैसे ही वो मालकान आएंगे, ताले खुलेंगे, तो फिर वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद उन वहाँ पर भी जो आग लगी हुई आग है उसको बुझा दिया जाएगा। अभी भी जो पहली मंजिल पर आग लगी हुई है, पूरा धुआं जो था पूरे प्लाजे में फैल चुका है, बिजली जो थी वो मुनकता हो चुकी है और वहाँ पर रेस्क्यू को अंधेरे की वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक तो पहली मंजिल पर आग लगी हुई है और जो आग थी साथ में प्लाजा जो है ये गली के अंदर करके बाकी है, गाड़ियां आने भी मुश्किलात के सामने। लेकिन यहाँ पर पहले भी कई वाकयात हो चुके हैं और ये तंग जगह पर वाकयात, जानी नुकसान के हवाले से भी हमें बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ पर अभी तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला तो नहीं है, ना ही कोई अंदर जो अफराद थे वो मौजूद थे प्लाजा में, क्योंकि जब आग लगी है तो प्लाजा खाली था और वो दुकानें भी खाली थी, तो बंद दुकान के अंदर ही आतिशबाजी का वाकया पेश आया। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आग लगने की वजूहत क्या थी, अंदर लोग मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन कोई भी विक्टिम नहीं है यहाँ पर जो कि जख्मी हुआ हो या कोई किसी किस्म की कोई इंजरीज जो है वो सामने नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे।